अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ गार्नियर शीट मास्क का रिव्यू शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीट मास्क जो है वो टिशू फॉर्म में होता है, जो आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। ये गार्नियर का हाइड्राबॉम शीट मास्क है। इसके अंदर ग्रीन टी और हाइलुरोनिक एसिड है। ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में काम आती है। इसकी बैक साइड पे आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये मास्क मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस मास्क को 10 out of 10 नंबर दूँगी। अच्छा, तो ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा और इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये मैंने 349 रुपीज़ का लिया था अलजदीद सुपर स्टोर से। आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और डल नज़र आने लगती है। तो उसके लिए ये शीट मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा और आपकी स्किन ग्लोइंग नज़र आने लगेगी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको 15 मिनट्स तक अप्लाई करना है, लेकिन मैं इसको आधे घंटे तक अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे रात में, और फिर मैं सो जाती हूँ। सुबह उठ के मैं ठंडे पानी से अपना फ़ेस वॉश कर लेती हूँ, तो मेरी स्किन बहुत हाइड्रेट हुई हुई होती है और बहुत ग्लोइंग नज़र आ रही होती है। सर्दियों में ये आपकी स्किन पे बेस्ट रिज़ल्ट देगा, क्योंकि सर्दियों में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई भी होती है और ये हाइड्रेट कर देगा आपकी स्किन को और ग्लोइंग और फ्रेश कर देगा। अच्छा, ओपन पोर्स के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी मौजूद है और ग्रीन टी आपकी ओपन पोर्स को श्रिंक करती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।